मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो निकाह की आप बात कर रहे हैं, क्या रसूल अल्लाह का किसी महिला के साथ जब वो निकाह करना चाहे तो क्या उसके लिए इद्दत पीरियड तक रुकना जरूरी है कि शर्त नहीं है रसूल के लिए कि वो इद्दत पीरियड का वेट करे? ऑफकोर्स मुझे जरा इद्दत ये भी पीरियड तक बताइए। वेट करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे, ऐसा करेंगे ओके, आप समीर, मुझे क्योंकि हमारे साबित आप कुछ मुझे व्यूअर्स जो साबित है ना, करें आप मुझे क्या साबित करें कि रसूल अल्लाह ने उनकी इद्दत पीरियड तक का वेट किया उनसे निकाह करने के लिए। जल्दी से साबित कर दे और मैं आपको साबित करता हूँ कि उसी रात उन्होंने उसके साथ हमबिस्तरी की है। साबित ओके इद्दत पीरियड तक वेट नहीं किया? करें आप दलील के साथ। आपका दावा क्या है कि इद्दत पीरियड तक वेट मेरा नहीं किया? वाजे मेरा बोल मेरा दीजिए दावा ना। मेरा मेरा दावा ये है कि जिस दिन उन्होंने उनके कबीले के ऊपर हमला किया, उनके उनके जो खाविन थे किनाना उनका कत्ल किया, और उनके जो वालिद थे हुई बिनते हुई उनका कत्ल किया, और सफिया को दया कलबी से अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद उस सफर से वापसी के दौरान खैमा लगा करके सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उन्होंने मुबाशरत की है, सोहबत की है खैमा लगा करके। मैं ये आपको साबित करूंगा वाजे दलील के साथ। आप मुझे साबित करें कि मैं आपसे वेटिंग एक पीरियड क्लियर तक सवाल पूछा का वेट समीर, किया आपका मैं सवाल समझ रहा हूं। अच्छा जी। मैं आपका सवाल समझ रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे एक क्लियर सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? कि आप ये दावा रख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत पीरियड कंप्लीट होने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके उनके साथ मुबाशरत की, रिलेशंस किए, क्या आप ये कह रहे हैं? यस या नो मैं बोल ये कह दो, रहा क्यों आप इसको डरते हो? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपकी अपनी किताबें ये कहती हैं कि रसूल अल्लाह ने उसी वक्त उनके साथ सौबत की, देखो, तो इज्जत आप पीरियड जो उसी 3 महीना वक्त 10 दिन का है तीन एक वो दो साबित चार नहीं दिन वो होता? नहीं पूछ रहा हूं, या तो मैं आप आपको मुझे क्लियर रसूल सवाल पूछ अल्लाह रहा हूं, आप बीटिंग का, मैं राउंड भी पुश आपको कर रहे हो। क्लियर कह मैंने रहा सवाल मैं भी आपको पूछा, क्लियर कह रहा हूँ कि मेरा दावा नहीं, आपकी किताबों का दावा है कि रसूल ठीक अल्लाह है, ने तो इज्जत आपसे पीरियड मैं अभी का सवाल वेट पूछ नहीं रहा किया। हूं, वो टाइम पे इद्दत हुआ था क्लियर नहीं हुआ था? इद्दत पीरियड, वेटिंग पीरियड कंप्लीट मैं हुआ था नहीं हुआ पहले था? आप मुझे इज्जत पीरियड बताएंगे कितना है एक वुमन का, कुरान की रोशनी में बता दें, वो तो सूरह आप तलाक जब की इतने बड़े रोशनी। क्रिटिक हो तो आपको तो पता ही होना चाहिए इद्दत पीरियड कितना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इद्दत नहीं, पीरियड मैं आपसे कंप्लीट हुआ पूछ था रहा नहीं हूँ, हुआ था? यस नो? मुझे मुझे पता जी सर, अच्छा, मैंने अगर बता आपका दिया। इद्दत पीरियड कंप्लीट हुआ ही नहीं, आपका तो ऑब्जेक्शन ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन तब खड़ा होगा अगर आप कहें इद्दत खत्म होने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाशरत कर लिया, तो फिर आपका ऑब्जेक्शन खड़ा होता है। लेकिन बिल्कुल अगर हो गया इद्दत खड़ा, कंप्लीट हो चुकी थी, मैं ऐसा ही कह रहा क्या हूँ, कह रहे इज्जत हो, पूरी होने से पहले। ऐसा क्यों मैं ये बोल रहे हो, कह वर्ड्स रहा बोलो ना, इद्दत पीरियड अगर कंप्लीट नहीं हुआ था ये बोलो। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा ना, अगर आप सुनेंगे मैं सबसे क्या हाँ बोल रहा मैं सुन हूँ, ही रहा हूं, बताइए। मैं कह रहा हूँ क्या सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इद्दत एक एक दिन या एक रात की थी क्या? नहीं ना, आपसे मैं सवाल एक दिन पूछ या रहा हूं, एक, इद्दत मैं कंप्लीट आपसे हुई पूछ थी रहा नहीं हुई हूँ, थी? हाँ या ना क्यों नहीं नहीं बोल रहे हो? हुई आप क्यों, थी, नहीं हुई थी, नहीं हाँ हुई बोल दिए ना थी। अभी, ये चीज आपकी अपनी ये चीज चार किताबों पांच से सेंटेंस पहले नहीं, बोल आपकी सकते थे। किताबों से साबित हाँ है कि नहीं हुई, तो आप आपको साबित नहीं हुई। साबित करना, आप बोल रहे थे नहीं हुई थी ना, अगर मैंने हाँ साबित कर दिया कि इद्दत पीरियड कंप्लीट हुई थी और इद्दत कंप्लीट होने के बाद ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुबाशरत किए, अगर मैंने साबित कर दिया तो आप गलत साबित हुए कि नहीं हुए? हाँ, साबित करें, साबित। और आपका प्रोपेगेंडा गिरे, गलत साबित हुआ नहीं हुआ, और आप जो है ना सिर्फ आप नहीं हो, फिर मैं आपके सामने वो दलील रखूंगा जहां से मैंने ये इल्म हासिल किया है रखिए कि ना इज्जत पीरियड नहीं हुई रखिए थी। ना, आप उसको चलो स्टार्ट। अब यहां अब पे उसका टॉपिक फॉलोअप डिफाइन देखिए। हुआ, क्या टॉपिक डिफाइन हुआ कि इद्दत पीरियड आपका ये दावा है इद्दत खत्म नहीं हुई थी और इद्दत खत्म होने से पहले से मुबाशरत कर लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है? चलो बिल्कुल अब मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल साबित बिल्कुल करूंगा, अब आप मुझे थोड़ी जी। देर देंगे, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करके आपको बता रहा हूं, फिर आप मैं अपना म्यूट करता हूँ प्रेजेंटेशन आप शेयर करके, कंप्लीट हाँ करने, फिर मैं आपको बताऊंगा जी। फिर मैं आपको जी। अच्छा मैं आपको ये पहले बता दूं कि मैं इस वक्त जो है मोबाइल से जुड़ा हूं, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कोई करूंगा, बात मैं नहीं, आप हवाला हवाला दूंगा आपको, हवाला आप चेक कीजिएगा। मैं खोल दूंगा यहाँ पे, हाँ खोल दूंगा, हाँ जी जी हवाला ठीक रेडी है, रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले आपने इद्दत पीरियड के बारे में जो पूछा, तो इद्दत पीरियड अलग अलग होते हैं। डिवोर्स औरतों का वेटिंग इद्दत पीरियड क्या होता है? थ्री पीरियड्स होते हैं, सलासता कुरू। इद्दत जो जिनके शोहर की डेथ हुई है वो कितने होती है? 4 मंथ्स 10 डेज, 4 मंथ्स 10 डेज। और एक प्रेग्नेंट औरत की इद्दत कितनी होती है? वो जब तक डिलीवरी ना हो जाए, यानी इद्दत पीरियड फिक्स नहीं है कि 3 मंथ्स ही है, 4 मंथ्स 10 डेज है, डिलीवरी होने तक भी है। और हम ये देखते हैं कि यानी अगर मान लो डिलीवरी वाली बात है ना, तो ये नीचे वाली हदीस देखिए सही मुस्लिम की जो दी हुई है, इसके अंदर क्या दिया है कि किसी की अगर मान लो थोड़े दिनों में डिलीवरी हो जाए बच्चे की, तो इद्दत पीरियड उतनी ही होती है। हाँ उतनी ही होती है, तो यानी कि मान लो कि कुछ डेज की भी डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी तक भी इद्दत पीरियड हो सकती है। अब एक स्लेव वुमन है जिसे बांदी बनाया गया, उसकी जो पिछला इस्तिब्राए रहम बोलते हैं, उसकी इस्तिब्राए रहम,
उसका पीर, उसका जो रहम जो है यानी कि जो वूम है वो क्लियर होनी चाहिए, पिछला कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। इस्तिब्राए रहम क्या है, तो हम देखते हैं स्लेव विमेन जो होती है उसके इस्तिब्राए रहम है जब तक उसका हत्ता तखीदा हैदतन, यहां तक आके हैज ना आ जाए, हैज ना आ जाए तब तक के लिए होता है। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2157। तो हम देखते हैं कि अफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो है कहा जाता है, अब आपके सामने सही बुखारी की हदीस है 2893। فخرج بها حتى بلغنا سدن سد الصحباء خلت, कि जब वो पहुंचे एक जगह जिसका नाम है सद्दा सहबा, तो वहां पे जाके उनका हैज खत्म हुआ, हल्लत फबना बिहा, तो तब जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एज अ वाइफ लिया। तो यहां पे भी मैं बात वाजे कर दूं कि वो हैज उनका फिनिश हो चुका था, हल्लत वर्ड से हमें पता चला फबना बिहा, उसके बाद जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसी तरह सही बुखारी 4211 के अंदर भी ये बात आप देख सकते हैं कि उनका मेंसेस से क्लीन हो गई थी और ये है इद्दत। तो आपने जो कहा ना कि उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो यहां पे आपका क्लेम फॉल्स साबित हुआ। मैंने आपको दो हदीस बता दी सही बुखारी की, आपका दावा था कि वो इद्दत उनका खत्म नहीं हुआ था, वो क्लीन नहीं हुई थी, क्लियर नहीं हुई थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले उनसे शादी कर लिए, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो गई और ये चीज आपके सामने प्रूफ मैंने रख दिया। अब बताओ इसका क्या जवाब है आपका। ओके, अब आप प्रेजेंटेशन हटा लें और अपना माइक म्यूट करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। बड़ी मजीद अच्छी बात करी आपने। ये जो आप मुझे इद्दत का तरीका पुकार बता रहे हैं कि किसकी इतनी इद्दत है, सूरह अत्तलाक की आयत 1 से जब शुरू करते हैं तो 4 तक इसका जिक्र आता है, और वहां पर कुरान ये वाज़े तौर पर बताता है कि जिन महिलाओं को अभी तक हैज आना शुरू नहीं हुए हैं उनकी इद्दत जो है वो 3 महीना 10 दिन है, जिनको हैज आने शुरू हो गए हैं उनके लिए 3 बार हैज का आना लाजिम है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी इद्दत तब तक है जब तक के वो बच्चे को जो है जन्म ना दे दें, यानी कि बच्चे को जन्म ना दें। अब चाहे उसके बच्चे के जन्मने में 1 दिन का वक्त लगे, 2 दिन का लगे, 2 महीने का लगे, 4 महीने का लगे, या मजीद उसका पूरा 9 महीना लगे, तब तक उसकी इद्दत बाकी रहेगी जब तक वो बच्चे को जन्म देगी। अब जो गुलाम लौंडी के ताल्लुक से आपने बताया है कि उसकी इद्दत कुछ और है कि उसको अगर हैज आकर के खत्म हो गया, एक हैज आप बता रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कि चलो उस वक्त हैज आ रखे हों और वहां उस मकाम पर जाकर खत्म हो गए, तो रसूलुल्लाह ने मुबाशरत कर दी और फिर निकाह किया, तो सबसे पहले तो आपको मुझे ये साबित करना होगा इस्लाम की रूह से कि एक आजाद आदमी क्या एक गुलाम से निकाह कर सकता है, या पहले उसको आजाद करना होगा उसको निकाह करने के लिए। अगर आजाद करने की शर्त है निकाह करने के लिए, तो आजाद होने के बाद सफिया की इद्दत वही होगी जो एक आजाद मोमन की होती है, 3 महीना 10 दिन कम से कम, या 3 महावारी। तो आप इसमें क्या जलेबी बनाते हैं, अब जरा उसका भी जवाब दे दें। ये मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन किया, तो यहां पे जो आपका कहना है उसके ऊपर हम वाजे देखेंगे। ये लोग क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से बगैर इजाजत के, उनकी मर्जी के बगैर उनका जैसे कि रेप किया गया, और बहुत सारा प्रोपेगेंडा ये लोग करते हैं। उस 17 साल की मासूम लड़की का क्या कसूर जिसका आपके रसूल अल्लाह ने लौंडी बना करके रेप किया, उसका क्या कसूर है, उसका इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? उसके बाप की गलती का खामियाजा क्या उसको रेप करके दिया जाएगा कि उसका रेप होगा, अब उसको लौंडी बनाया जाएगा? और चले ये तो बात है सिर्फ सफिया की। अब यहाँ पे समीर आज मेरे हाथ सामने मौजूद हैं और मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ, और हम ये देखते हैं कि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आप लोग जब वो बात कहते हैं तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा का डिस्कशन हुआ था। तबरानी में हदीस सही सनद से मौजूद है, मैंने शेख अल्बानी का भी कोटेशन उसके अंदर दिया हुआ है, सिलसिला सहीहा का। इसके अंदर क्या आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की, और बात करने के बाद में उनसे पूछा कि ये आंखों में आपके क्या, ये स्कार क्या है? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हस्बैंड को मेंशन किया था कि मैंने चांद को अपनी लैप में गिरते देखा ख्वाब में, और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे क्या कह करके कि क्या तुम यसरिब यानी मदीना के बादशाह की तमन्ना कर रहे हो? तो मैं आपके शादी वाले सवाल पे जवाब बता रहा हूँ, क्यों शादी, और शादी के अंदर रजामंदी कंडीशन है, बगैर रजामंदी के शादी नहीं होती। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से बात की है, पूछे कि इस कार क्या है। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा ख्वाब आया था, मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या तुम मदीना के बादशाह की तमन्ना कर रहे हो? तो वो कहती है कि देयर वाज नन मोर हेटफुल टू मी देन मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे
मुझे उनसे ज्यादा किसी और से नफरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने मेरे फादर और मेरे हस्बैंड का कत्ल किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सप्लेन किया, या सफिया, ए सफिया, इन अबा की, तुम्हारे जो वालिद थे उन्होंने अरबों को मेरे खिलाफ उकसाया था, हाँ अरबों में, यानी कि इस तरह से जो चीज की थी, और वो समझाते गए फाला फाला, या समझाते गए समझाते गए, नफसी, यहां तक कि सफिया रदिल्लाहा कहती है कि मेरे दिल में से उनके लिए नफरत चली गई, नफरत चली गई। सेकंड बात आप देख सकते हैं कि तारीख इब्न साद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जिसके अंदर आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको चॉइस दिया, चॉइस दिया, और क्या चॉइस दिया कि तुम चॉइस करो, इख्तारी, कि तुम चॉइस करो कि अगर तुम चाहते हो तो तुम इस्लाम चूज करो और मैं तुम्हें अपने लिए चूज करता हूं, और अगर तुम जुडाइज्म चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम जाओ अपने लोगों के पास। तो वो कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम की चाहत थी मेरे दिल में, और मैंने इससे पहले ही जो मैंने इससे पहले ही उसकी उसके बारे में कहा, और ये आपने मुझे इन्विटेशन दी, इससे पहले ही मैंने इस्लाम को ही चूज किया है, और मेरा कोई गार्डियन नहीं है जूज में से, ना मेरे वालिद है ना भाई है, और मैं इस्लाम को कुफ्र पर चुनती हूँ, और अल्लाह उसके रसूल मेरे लिए मेरी ये आजादी से ज्यादा महबूब है कि मैं अपने लोगों की तरफ लौटूं। तो ये उन्होंने चूज किया। यहाँ पे क्या बात क्लियर हुई कि जो रेप का इल्जाम और जो सारे बगैर रजामंदी की शादी का इल्जाम है जो इंक्लूडेड था, तो मैंने इसलिए ये बात को कवर किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये बात देखने के बाद ये एक और जो हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्कर किया और ये बात के अंदर समझाया, यानी कि क्या है, जो हदीसों से आपको सफिया रदिल्लाहु अन्हा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है, उनसे शादी के बारे में पता चलता है वो बताते हैं, लेकिन जो हदीसों से उनकी रजामंदी के बारे में पता चलता है वो नहीं बता रहे। आज ये वीडियो गवाह है कि आज के आपके सामने ये बात पहुंच चुकी है विद स्क्रीन, विद प्रूफ, विद रेफरेंस नंबर, ताकि आप इसके बाद, आज के बाद ना करो, और आपकी जो पिछली स्ट्रीम्स में आपने जो झूठ कहा है इस चीज के बारे में कि बगैर रजामंदी के उनके साथ शादी की गई, वो चीज को आप डिलीट करो और क्लियर करो, ये एक आपके लिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आइए आपके जो मेन सवाल हमारा डिस्कस हो रहा था हैज के ताल्लुक से, तो आपका जो सवाल है वो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सवाल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो मुतल्लका औरतें हैं, मुतल्लका औरतें हैं वो तीन पीरियड्स के लिए रुकेगी, तो क्या वो तलाकशुदा थी? नहीं थी, उनके लिए नहीं है। क्या वो उनकी जो 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 औरतें हैं उनके शौहर का इंतकाल हुआ है तो 4 महीने 10 दिन है, यानी जिसके शौहर का इंतकाल हुआ था, तो क्या वो शौहर का इंतकाल हुआ वो औरतों में से थी? तो नहीं, वो बांदी थी, और बांदी की कितना है? इस्तिबराए रहम। अब बांदी के एतबार से, इस्तिबराए रहम के एतबार से वो हलाल हो चुकी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो हलाल हो चुकी हैं, हल्लत आ गया हदीस के अंदर, वो हलाल हो चुकी हैं। अब आप इस्लामिक फिक को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्लामिक फिक के रूल्स फॉलो करेंगे, ना कि वो क्रिटिसिज्म वाला आपका जो आपका वो नजरिया है। तो वो हलाल हो चुकी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन्हें एज अ बांदी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तालीम दी थी कि जो शख्स अपनी बांदी को सिखाए, तालीम दे, आजाद करे और फिर शादी करे तो उसको डबल अजर मिलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे उस चीज पे अमल करते हुए उनको तालीम भी दी, उनके साथ बात किए, उनको चॉइस दिया, उनको समझाया और फिर उनको आजाद करके उनसे निकाह किया, उनकी रजामंदी से निकाह किया। अब बताइए आपका क्या ऑब्जेक्शन है? जी बहुत खूब, आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। मैंने ये पूछा है कि अगर रसूल अल्लाह ने, अभी आपने बात करते हो खुद ये तस्लीम कर लिया कि उनको आजाद किया और आजाद करने के बाद उनसे निकाह किया, और आप जो लौंडी कह रहे हैं ना उनको कि वो लौंडी थी, वो उनके शौहर का इंतकाल भी हुआ है तो लिहाजा वो जो है बेवा भी है, और उसके ऊपर इद्दत जो फिर अगर होती है ना एक आजाद के ताल्लुक से तो 4 महीना 10 दिन की होती है, ये आपने इकरार किया अपने रेफरेंस देते हुए। अगर आप उसे लौंडी के तौर पर ले रहे हैं तो आप तो फिर ये बहुत तकलीफ उठा रहे हैं उसकी इद्दत बयान करने की, 4 की 24 कोट कर देते, इद्दत की जरूरत ही नहीं है। والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم, और हमने जायज कर दी तुम्हारे लिए वो शोहर वाली औरतें भी, अगर उनके अगर से उनके शोहर भी हों और वो जिंदा भी हों तब भी वो तुम्हारे लिए हलाल और जायज हैं, कुरान की 4 की 24 की रूह से जो तुम्हारी मलकल यमीन यानी तुम्हारी गुलाम लौंडी बन जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उसको लौंडी के तौर पर रखना होता हमें कोई इतराज नहीं होता। बात तो आप निकाह की करते हैं ना, वो लौंडी का रही, जब निकाह कर लिया उसको आजाद किया तो वो लौंडी नहीं रही, अब निकाह कर लिया तो बीवी बन गई। अब निकाह करने के लिए जब उसको आजाद किया गया है तो आजादी वाली जो उसका वेटिंग पीरियड है 4 महीना 10 दिन जो कि उसके शौहर के कत्ल होने के लिए, मकतूल होने के लिए
उसके ऊपर वाजिब आती है, वो किधर है जैद साहब? या तो ये कहिए कि गुलाम लौंडी के तौर पर उसको कबूल किया, फिर मुझे कोई इश्काल नहीं है, मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट खत्म। या अगर आजाद करके निकाह करने की बात कर रहे हैं तो फिर इद्दत पीरियड कुरान की रूह से आजाद वाली रखिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों जनाब? आप जितने जितने 1400 सालों से आप हजरत इन तमाम मुस्लिम उम्मा का लोगों का बेवकूफ बनाते आए हैं, वो टैक्टिस एक्स मुस्लिम के ऊपर काम नहीं करती, इसीलिए आप लोग फैले, क्योंकि आपको मदरसों में फिरकों में लड़ने की तालीम दी गई है, एक्स मुस्लिम से लड़ने की नहीं। जी आपने समीर, एक्चुअली मेरी मेरा एक रूल है, मुझे ना एक बार बोलने अच्छा लगता है, ज्यादा ज्यादा दो बार, एक ही बात को कईयों बार बोलूं, जैसे मैं वो डिबेट में बोल रहा था एक बात को कई बार और आप मेरे साथ वो कर रहे थे, तो वही चीज फिर से हो रही है, मैं अपनी बात को फिर से सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, हालांकि मैंने ये बात अभी कही। क्या कहा मैंने? और मैंने जस्ट नाउ एक्सप्लेन किया, स्क्रीन के साथ एक्सप्लेन किया जो आपका अंडरस्टैंडिंग। पहले मैं आपसे पूछ लूं कि आपने इस्लाम के बारे में क्या ये समझे हैं कि कोई शादीशुदा औरत अगर हो तो इस्तिब्राए रहम के बगैर उसके साथ रिलेशन जायज है? क्या आपने ये समझे हैं इस्तिब्राए रहम यानी के मेंसेस आने के बगैर उसके साथ रिलेशन सही है, वो आपने ये समझे हैं? यस एंड नो बता दीजिए, क्योंकि आपकी बात से तो ये मैंने कुरान की आयतों से ये उसूल बयान किया है। जो आयत से ये समझे आपने, आप सुने ना, अब मैं आयत से क्या समझा मैं बता रहा हूँ, तो आप सुनते नहीं है, सवाल आप करते हैं जवाब लेते नहीं है। मैंने आपको वाजे तौर पर यह कहा है कि अगर रसूल अल्लाह ने उसको लौंडी के तौर पर ऑन किया होता तो ये सवाल ही नहीं होता वेटिंग पीरियड का और ये सब का। ये सवाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि लौंडी के तौर पर ऑन नहीं किया भाई, निकाह किया है उन्होंने, और निकाह करने के लिए आजाद करना जरूरी है, आजाद करने के लिए इद्दत पीरियड पूरा होना जरूरी है, वो किधर है मुझे वो दिखा दे, बस बात खत्म। सिंपल बात है, जो कहा है मैं आपको बता दूं ना, तो फिर से बता रहा हूं, ये आपके सामने है, स्लेव वुमन को बांधी जो हो तो बांदी के अंदर उसे मेंसेस आने तक, या अगर प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी तक, ये उसका इस्तिब्राए रहम का पीरियड है, उसके बगैर वो हलाल नहीं है। आपके जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो रॉन्ग है कि वो बगैर इस्तिब्राए रहम के हलाल है। फर्दर मैं एक बात एज अ फुट नोट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा साइड पॉइंट है, वो ये बता रहा हूँ कि ये उस जमाने में था जिस जमाने के अंदर स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी, इस्लामिक स्लेवरी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, रूल्स एंड राइट्स थे, अनइस्लामिक स्लेवरी के अंदर तो कोई रूल्स एंड राइट्स नहीं थे, उसके अंदर तो जुल्म हो जाती थी, इस्लाम ने इरेडिकेट करने का सिस्टम और तरीका भी बताया। तो चलो वो एक अलग टॉपिक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जहां तक ये सवाल है ना हैज के ताल्लुक से, मैंने बता दिया कि एज अ स्लेव वुमन उसके लिए ये जो हदीस आपके सामने अबू दाऊद की, इस हिसाब से उसे सिर्फ एक पीरियड आने तक ही देरी थी, आ गया उनको पीरियड, वो हलाल हो गई थी मोहम्मद सासम के लिए, मोहम्मद सासम ने हलाल होने के बाद उनको चॉइस दिया, उनको समझाया, उनको बताया और उनसे निकाह किया। तो आप इस बारे में कह रहे हैं कि नहीं वो हलाल नहीं हुई थी, तो ये आपकी एक ट्विस्टेड लॉजिक है। यहाँ पे शरिया का रूल है, स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम उसके अंदर सारे रूल्स एंड एविडेंसेस देख करके बताते हैं, और वो हलाल हो चुकी थी, हल्लत आ गया, वो हलाल हो चुकी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये रूल के एतबार से वो हलाल हो गई थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डायरेक्टली लेने की जगह निकाह करके लिया, जैसे कि हमने देखा उनकी चॉइस से निकाह करके लिया, ये कोई जबरदस्ती वाली शादी नहीं थी। आई थिंक दोनों चीज क्लियर है समीर, क्योंकि दूसरे गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। एक अच्छा डिस्कशन हुआ आपके साथ, थैंक यू फॉर कमिंग, और फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चलें आपने अपनी बात रखी और अब आपने मुझे जो है इजाजत दे दी जाने की, तो ठीक है मैं इस डिस्कशन को यहाँ लीव करता हूँ, और मैं जो है ना ये लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ जो इस डिस्कशन को बाद में सुनेंगे कि वो इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं। बाकी आपने जो उसूल बनाया है उस पर एक बार वजाहत कर दे ताकि आसानी हो जाए आगे के लिए भी मेरे समझने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई महिला एज अ सेक्स स्लेव, एज अ कैप्टिव हमारे कब्जे में आती है, चाहे वो बेवा हो चाहे वो मुतल्लका हो, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो सिर्फ जो है तब तक है जब तक वो मुझे निकाह करने की रजामंदी ना दे दे और मैं उसे आजाद करके कभी भी किसी भी वक्त निकाह कर सकता हूँ, आप ये कह रहे हैं? उसका इस्तिब्राए रहम जो है ना, जैसे उसको मेंसेस आ गए या तो डिलीवरी हो गई यानी कि वूम क्लियर हो गई, उसके बाद के मतलब उसको एक बार भी अगर शादी करें, अगर उसको एक बार भी मेंसेस आ गए तो वो जायज हो गई, आप ये कह रहे हैं? जी, यही रूल है, शरिया में रूल है और हदीस है इस बारे में, ऐसा नहीं कि हमारे खुद का बनाया हुआ रूल है। हाँ जी, ओके, ठीक है, चले, ये ठीक है, ये आपका आपका स्टैंड है, आपकी बात है, लोग इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फैसला कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, मौका देने के लिए, और अपना ख्याल रखेगा, शब खैर। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू, कीप कमिंग।
थैंक यू सर, शकील जी, थैंक यू।